गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वैक्टर्स, टाइप ऑफ वैक्टर, दैट वॉज एक्सियल एंड पोलर वैक्टर्स, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए वैक्टर। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के वैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मॉडुलस ऑफ ए वैक्टर, कि कोई भी वैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो वेक्टर्स के अंदर हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जब भी एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर आई लिखते हैं, आई कैप। आई कैप क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। और वाई के लॉन्ग जो डायरेक्शन होती है उसको जे से नोट करते हैं, और जेड के लॉन्ग जो डायरेक्शन होती है उसको के से नोट करते हैं। तो जैसे हमारे पास मान लिया कोई भी एक वेक्टर ए है, तो ए के अंदर जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है एक्स के लॉन्ग, और आई उसका यूनिट वेक्टर, प्लस में वाई के लॉन्ग उसकी वैल्यू 2 है और जे उसका यूनिट वेक्टर यानी वाई के लॉन्ग है, और प्लस में के का अर्थ है जेड एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड 1 है और के उसकी यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वैक्टर, और मॉडुलस ऑफ ए वैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वैक्टर का मोड कर देंगे या उसको ए से नोट कर सकते हैं, तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैक्टर है आई प्लस टू जे प्लस के, तो यहाँ पर हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर हम उस वैक्टर का मोड कर दें, मोड का अर्थ है दो लाइनें उसके साइड में लगा दें, तो वहाँ पर होता है x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर और उसका अंडररूट। तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में y का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस में z का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो इसको हम देखेंगे अंडररूट 6 क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड होता है। अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर वोज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी का अर्थ है 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन सेम होती है जो कि हमारा गिवन वेक्टर है। तो यहाँ पर देखो जैसे आई है, आई कैप है, तो ये यूनिट वेक्टर है, या ए कैप लिखेंगे तो ए कैप क्या हमारा यूनिट वेक्टर है। तो मैंने बताया था कि कोई भी वेक्टर है उसमें हमारी दो चीज़ें होती है, अगर मान लिया ए वेक्टर है तो क्या होगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर होगा, अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे ए कैप, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, वेक्टर ए बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हमें इस फॉर्म इस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करोगे, वेक्टर यानी ये वैल्यू पूरी रख देंगे और बाय में इसका मैग्नीट्यूड क्या है अंडररूट 6, यानी इस वेक्टर के बाय में अगर हम इसको देखना चाहें तो ये हमारा इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, ए, ए वेक्टर क्या था आई प्लस टू जे प्लस के, तो ये वेक्टर हो गया और बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है अंडररूट 6, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल If they have equal magnitude, यानी उनकी टेल की लेंथ क्या हो सेम हो एंड सेम डायरेक्शन, और उनके हेड की डायरेक्शन क्या हो सेम हो, तो हम उनको बोलते हैं इक्वल वैक्टर्स। तो यहाँ पर दो वैक्टर हैं ए एंड बी, तो ये हमारे दोनों इक्वल वैक्टर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेगेटिव वैक्टर। नेगेटिव वैक्टर क्या होता है, अगर एक वैक्टर ए है और दूसरा वैक्टर हमने अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा कर दिया, जिनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है, यानी उनकी टेल की लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर माइनस ए है वो नेगेटिव वेक्टर है वेक्टर ए का। तो हम कह सकते हैं ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी टेल की लेंथ सेम हो बट एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट वेक्टर, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है ए वेक्टर से अपोजिट है, तो वो क्या होगा उसका नेगेटिव वेक्टर। नाउ नेक्स्ट है इज को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का अर्थ है वो वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट क्या हो सेम हो। तो यहाँ पर ओ P
पी और ओ क्या हुँ क्या है, दो वेक्टर जिनको हम ए और बी से डिनोट करते हैं। तो इनका जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पॉइंट है, वो क्या है, ओ। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर। द वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। तो इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है, तो हम इनको बोलते हैं को इनिशियल वैक्टर्स। नेक्स्ट, को प्लेनर वैक्टर, यानी वो वैक्टर जो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, कोलिनियर वैक्टर। कोलिनियर क्या है, दीज आर दोज वैक्टर विच आर हैविंग इक्वल और अन इक्वल मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अन इक्वल भी। जैसे ए और बी मैंने दोनों सेम मैग्नीट्यूड के दिखाए, इनकी टेल की लेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पर ए की लेंथ कम है, बी की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, और पैरेलल स्ट्रेट लाइन में एक्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं कोलिनियर वैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोप्लेनर वैक्टर। कोप्लेनर क्या होता है, जो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। जैसे ये हमारा प्लेन है, तो इसी के अंदर वेक्टर ए, बी और सी है, तो वो क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। दीज आर दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। ओके, थैंक यू।